हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम चलने वाले हैं धारकोणी आश्रम, जहाँ पे महाराज सच्चिदानंद जी महाराज हैं। आज हम उनके दर्शन करने वाले हैं और अभयारण्य कुंड वगैरह देखने वाले हैं, जो कि सतना से दूरी है 70 किलोमीटर की। तो ये हम चलना स्टार्ट किए हैं। ये जाते टाइम ये सब पड़ता है, अंदर जंगल है। ये छोटे छोटे मंदिर भी हैं, ये जंगल वगैरह है, पेड़ पौधे हैं। ये हम आश्रम पहुंच चुके हैं। ये आश्रम में देखिए यहाँ पे बस वगैरह भी हैं, यहाँ पे आने जाने वाले लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते जाते हैं, बहुत ही ज्यादा भीड़ रहती है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे बंदर भी हैं, ये देखिए बंदर यहाँ पे सब चढ़े हुए हैं। ये नया गेट बन रहा है, इसके अंदर अभी एक गेट और है, तो यहाँ पे बंदरों ने अपना डेरा डाल दिया है। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे ये बंदर हैं। ये आश्रम के अंदर जाने का मार्ग है, हम आश्रम के अंदर अब जाने वाले हैं। यहाँ का प्लेस जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है। अभी अंदर पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे अभी एक गेट अंदर जाने के लिए और मिलेगा, ये है मेन गेट। ये प्रवेश करने वाले हैं ब्रह्मण आश्रम धारकोणी में। यहाँ से हम नीचे की तरफ जाएंगे, फिर हम चलेंगे अभयारण्य कुंड की तरफ। ये अब अंदर पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से निकलेंगे अभयारण्य कुंड की तरफ। यहाँ पे रोड है, ये यहाँ पे बहुत सारे घर वगैरह बने हुए, ये इसी मंदिर के अंदर के ही हैं। ये सब आश्रम है, यहाँ पे ठहरने के लिए है कि यात्री ठहरे, ज़्यादातर यहाँ पे दूर दूर के यात्रियों के लिए ठहरने के लिए है। और यहाँ पे संत महात्मा वगैरह ये सब रहते हैं, गुरु महाराज के शिष्य वगैरह सब यहीं आश्रम के ही अंदर रहते हैं। ये जगह तो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही बड़े प्लेस में बनी हुई है। ये अब अंदर जाएं तो अंदर ऐसा पड़ता है, फिर यहाँ पे एक मंदिर है ऊपर चल के, ये मंदिर में यहाँ दर्शन करेंगे। अभी ये अंदर की तरफ पहुंच चुके हैं। ये यहाँ पे मंदिर है, क्योंकि अभी बंद है कोरोना के चलते। ये चारों तरफ ये गुरु महाराज के शिष्य वगैरह रहते हैं। यहाँ पे मंदिर धर्मशालाएं वगैरह ये सब इसी मंदिर के अंदर है। यहाँ अभयारण्य कुंड के रास्ते में ये मंदिर के अंदर ही, ये आश्रम के अंदर ही ऐसा प्लेस बना हुआ है, थोड़ा सा जंगल तरफ टाइप है, जो कि ये आश्रम के अंदर है। अब ये आश्रम के अंदर एक गेट है, एक गेट को पार करके आगे जाएंगे, ये थोड़ा जंगल टाइप मिलेगा। फिर देखिए ये बंदर कितने हैं, तो प्यारे प्यारे बंदर हैं, उन्हें अपना डेरा डाल लिया है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अब ये हम लोग अभयारण्य कुंड पहुंच चुके हैं। यहाँ पहुंचने के लिए हमें नीचे जाना पड़ता है, नीचे जाने का रास्ता है सीढ़ियों से नीचे जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही नीचे है अंदर।
तो ऐसे ये रास्ता बना हुआ है। ये नीचे हम लोग पहुंच चुके हैं। अब ये दिखाते हैं अभयारण्य कुंड। ये देखिए यहाँ से पानी झरता हुआ है। ये यहाँ पे गहराई वगैरह की 6 फीट से 8 फीट तक लगभग है। ये है कुंड, ये यहाँ पे कुंड है। और यहाँ पे मान्यता है कि यहाँ पे परिक्रमा लगाई जाती है, तो यहाँ सब लोग परिक्रमा लगा रहे हैं। और यहाँ पे पानी झर रहा है, देखिए झरना टाइप में पानी बना हुआ है, झरने टाइप में है। कहते हैं कि अभयारण्य कुंड में नहाने से रोग व्याधि ये सब दूर हो जाती हैं, तो इसलिए यहाँ पे नहाने आते हैं। अब हम चलते हैं स्वामी जी के निवास की तरफ। ये हम जहाँ स्वामी जी रहते हैं उधर तरफ आ गए, पहुँच गए महाराज जी के धाम। ये हैं महानंद महाराज जी। यहाँ पे शंकर जी की मूर्ति है। ये धारकुड़ी कुंड है, कुंड में पानी आता रहता है हमेशा। इस कुंड में ऐसा ही पानी दिखने स्वच्छ है, और यह पानी बहुत ही ज़्यादा मीठा है, आरओ से भी ज़्यादा मीठा है। कितना प्यारा यहाँ पे। कहते हैं इस पानी से नहाने में अपने पाप दोष सब दूर हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ जल है। और ये कहाँ से आता है ये आज तक कोई नहीं जान पाया है। ये देखिए यहाँ से प्लेस बना हुआ है जाने का, फिर इसके अंदर फिर उधर निकल रहा है ये पानी। और अभी अंदर भी है जहाँ से पानी दिख रहा है कि उधर आ रहा है। ये पानी आज तक नहीं पता चला कि कहाँ से आ रहा है। और देखिए कितना साफ और स्वच्छ जल है। ये स्वामी जी का विश्राम गृह है, यहाँ पे स्वामी जी विश्राम करते हैं। और यहीं से देखिए ये पानी भी चल रहा है। ये स्वामी जी का आसन है, कि स्वामी जी के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो किसी कार्य से बाहर गए हुए थे। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।